बसमीम्स नाजरीन तमाम तरीफों पाक की जिसने ये कयनात तख्ली की और दरुद्सम जमान ज़मानबी हज़रत मोहम्मद सल्लाम की त पाक पर जन की वजह से यह कयनात तख्लीक की गई नाजरीन आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे सबसे पहले हम स्टोरीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं नंबर वन अलमद साउद साहब ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की जब वो कल नारवाल गए और इसके साथ साथ सियालकोट के अंदर तो उनकी जो ये कॉन्फ्रेंस हुई उनके मेन पॉइंट क्या थे और उस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान का मीडिया क्यों ना चला सका ये हो गया और इसके साथ साथ तहरीक लबाग पाकिस्तान ने इलेक्शन के अंदर कितनी लाख वोट हासिल किए इनकी नशस्तें कितनी और इसके मदे मुकाबले एक जमात है उसने कितनी वोट हासिल की और उसकी नशस्तें कितनी आई ये भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर होगा और इसके साथ साथ नाजरीन यहाँ पर ट्विटर के हवाले से भी अहम तरीन खबर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगी तो आपने इसको मिस नहीं करना शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी हासिल हो सके और आप इनको जान भी सकें चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहली बात नाजरीन पाकिस्तान के अंदर गुजशत रात से जो ट्विटर है वो बिल्कुल डाउन यानी डाउन क्या न चलने के काबिल है रात के तकरीबन ये तीन बजे थोड़ा बहुत चला था तीन बजे मैंने कोशिश की कि मेरी आँख खुली तो मैंने इसे प्ले किया तो ये सिर्फ एक दो मिनट के लिए चला और उसके बाद ये ऑफ हो गया फिर ये ग्यारह बजे इस तरह से हुआ यानी पाकिस्तान के अंदर ट्विटर इस टाइम ना चल यानी बंद हो चुका है बिल्कुल कभी कभी जो है ना ये चलता है सिर्फ दो चार पोस्टें वगैरह चलती हैं हमारे एरियाज में यानी जहाँ पर ये मैं बैठा हूँ हो सकता है मे भी कि आपके यहाँ चल रहे हो लेकिन इधर नहीं चल रहा और इस तरह यूट्यूब पर भी बड़े बड़े जो साफी हैं उन्होंने भी यही बात की है कि ट्विटर जो है ना वो डाउन हो चुका है और ट्विटर बिल्कुल भी नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा इस वजह से क्योंकि ट्विटर के ऊपर एक तो वो सबसे पहले एक के की मैं भी मजम्मत करता हूँ नाजरीन जो के के साथ माह किया है आपके पीसीबी ने इस पीएसएल के अंदर तो KFC के के खिलाफ भी ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड कौन चला रही है वो टीएलपी चला रही है और दूसरा इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है वो चला रहा है पीटीआई के लोग चला रहे हैं तो ये दो चीज़ें जिनकी बुनियाद पर जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया इन इन्होंने ट्विटर को डायरेक्ट डाउन कर दिया ताकि इनका जो एक असली चेहरा घिनौना चेहरे इस गवर्नमेंट के हुकूमत का वो पूरी दुनिया ना देख सके तो इन बुनियाद पर क्या किया गया कि ट्विटर को डाउन किया गया क्यों क्योंकि टीएलपी केएफसी के खिलाफ ट्रेंड कर रही है और इस तरह जो पीटीए है वो धांधली की वजह से वो पीएसएल बाईकाट बाई काट और इस तरह से ये जो है ना वो भी ट्रेंड चल रहे और वो टॉप पर थे यानी ये चीज़ें टॉप पर थी जिसकी वजह से क्या करना पड़ा कि इंतज़ामिया को डाउन वो अभी तक भी डाउन चल रहा है हो सकता है शाम तक ये ठीक हो जाए ये जब ये आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त भी ठीक हो चुका हो लेकिन जब मैं ये वीडियो का बना रहा हूँ तो उस वक्त आप समझें कि ट्विटर जो है वो ना चलने के बराबर है इसके बाद नाजरीन हम चलते हैं कि टी ने वोट कितनी हासिल किए और इसके मद् मुकाबले एक और जमात उसने कितनी वोट हासिल किए नाजरीन दो, दो के अंदर जब इलेक्शन हुए परवेज मुश्रफ साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मार्शल आट का दौर था काफलीग तख्लीकी बनाई गई मुस्लिम लीग नवाज़ को तोड़कर और इस इलेक्शन के अंदर बीए की शर्त जो थी वो लाजमी रखी गई यानी जो कैंडिडेट होगा जो उम्मीदवार होगा वो उसका बीए पास होना लाजमी है ये पाकिस्तान के वैध इलेक्शन थे अब जो इलेक्शन हुए इसमें आप देख सकते हैं कि अनपढ़ हो जितनी पढ़ा लिखा हो जितनी क्वालिफाई हो वो इस यहाँ पर कोई चीज़ जो मैटर नहीं रखती यानी आप अगर पाकिस्तान के शहरी हैं आप कोई क्रिमिनल आपके ऊपर कोई इस तरह की सजा याफ्ता नहीं है तो आप क्या है बल्कि आप अगर सजा याफ्ता भी हैं आपके पास सरमाए पैसे आप फिर भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने लिया है वो आपकी आंखों के सामने है तो 2002 के बाद उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हो गए शाह अहमद नौरानी साहब हो गए रमोत लि मजहबी जमातों के हवाले से इन्होंने वोट हासिल किया उसके बाद 2007 के इलेक्शन हुए मजहबी जमातों का कोई नामो निशान नहीं था फिर तेरह के इलेक्शन हुए और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 2024 के इलेक्शन में 35 लाख नाजरीन वोट हासिल किए हैं यानी पैंतीस लाख तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वोट हासिल किए हैं और इसकी बलोचिस्तान के असम्बली के अंदर जीरो नश्त है ठीक हो गया सिंध असम्बली के अंदर जीरो नश्त है केपी के के असम्बली के अंदर जीरो नश्त है और नेशनल असम्बली के अंदर जीरो नश्त है और पंजाब के अंदर सिर्फ एक सूबई नशिस्त है तो आप यहाँ से मवदन करें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसहबी इस्लामी जो जमात है जिसने पैंतीस लाख वोट हासिल किए वो जमात नेशनल असम्बली के अंदर एक भी नशिस्त हासिल ना कर सकी क्यों ना कर सकी इसकी रीज़न भी हम जानेंगे लेकिन इससे पहले एक और जमात है जिसने पाँच लाख वोट हासिल किए हैं उसका नाम है मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग काफ ने बश्किल नाजरीन इन्होंने क्या किया कि पाँच लाख वोट हासिल किए हैं और इसकी जो कौमी असम्बली की नशितें हैं वो हैं तीन तीन नशितें इसकी कौमी असम्बली की हैं और आठ नशितें इसकी सूबई असम्बली की हैं और इसके वोटों की जो तादाद है वो है पाँच लाख तो यहाँ से हम मुद्दा कर सकते हैं कि सजदा रेज होना पड़ेगा यानी साद हु को बताया जा रहा है ये सामने से दिखाया जा रहा है कि साह सब आप जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं आप ये जो जदोजहद हैं आपकी ये जदोजहद जब तक आप हमारे सिस्टम की बेयत नहीं कर सकते जब तक आप हमारे सिस्टम के आगे झुकते नहीं सजदा रेज नहीं होते उस वक्त तक आप चाहे पैंतीस लाख वोट हासिल करें चाहे पचास लाख वोट हासिल करें चाहे पचहत्तर लाख वोट हासिल करें चाहे एक करोड़ वोट हासिल करें करे. आपको किसी भी सूरत सीट नहीं मिलनी अब इसका क्या यानी एक तो ये दिखाते अमेरिका को यार पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी फैक्टर नहीं पाया जाता कोई मजहबी जमातों की अहमियत नहीं है इस बुनियाद पर भी टीएलपी को ना ही वोट दिया जाता है, अपना ना ही सीट दी जाती है बल्कि इनका जो वोट होता है वो भी काटा जाता है अमेरिका को बरतानिया को यूरोप यूनियन को दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों का या मजहबी लोगों का कोई रुझान ही नहीं है कोई नाम भी नहीं है ये उनको शो कराया जाता है इसके बाद नाजरीन नेक्स्ट हम चलते हैं कि अलहमद साद शरीफ साहब ने नरवाल के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस की इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें बयान की वो यहाँ पर शेयर होंगी डिटेल के साथ वो थोड़ा आपने मिस नहीं करना अलमद साद शरीफ साहब से ये क्वेश्चन किया गया कि सर क्या आप इसके बाद यानी अभी तो आप मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं गली गली जा रहे हैं सिटीज जा रहे हैं नेक्स्ट आपकी हमत क्या हो सकती है अलमद साहब ने और ये जो इन्होंने साहब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की टॉक की इंटरव्यूज़ दिए इसको किसी भी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पब्लिक नहीं की क्यों यहां पर साहेरी साहब ने डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को क्या किया निशाना बनाया और एस्टेब्लिशमेंट को ये बात की कि आप बंदूक के ज़ोर पर लोगों को जितवा तो सकते हैं लेकिन आप अब हुकूमत नहीं बनवा सकते इस तरह से मैं आपको मिसाल दूं सर साहब ने कहा कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो ये था कि हमने इलेक्शन में उतरना है हम वो उतरे हमने वो वोट हासिल किया हमारा वोट काटा गया हमने वो नशिस्तें हासिल की हमारी नशिस्ते हमसे छीनी गई फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हमने जाना है कोर्ट के अंदर कोर्ट ने हमें भेजा इलेक्शन कमीशन के पास जब इलेक्शन कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया अब हमारे जो कुछ पिटीशन है वो इलेक्शन कमीशन में चल रही है इलेक्शन कमीशन भी अपना फ़ैसला सुना देगा फिर भी हम इसके बाद अदालतों में जाएंगे इसके बाद क्या होगा साफ बात नाजरीन मैं आपको मिसाल देता हूं कि मेन काम होता है निकाह होना बाकी मेहंदी की रस्म हो गई जागे की रस्म हो गई फिर इस तरह से और जो यहाँ पर एक रस्म व रिवाज चलते वो यहां से तो ऐसे से तो मेन चीज तो निकाह होता है ना निकाह के बाद ऐसा समझ लें कि आपकी शादी हो गई मेन चीज क्या है निकाह है और यहाँ पर मेन चीज क्या थी इलेक्शन थी और इलेक्शन से ये चीज़ साबित होगी कि आपको उन लोगों ने नशिस्तें नहीं दी आप चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं चाहे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं चाहे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएँ यदि आपका जो मेन काम था वो हो चुका है आपको नशिस्ते है, ना नशितें मिली हैं ना नशिस्तें मिलेंगी मैंने इस वजह से वहाँ पर आपको शादी की जो है ना वो जोड़ के मिसाल दी अब फिर महमद साहब ने कहा कि फिर हमारे पास वो रास्ता मौजूद है यानी तमाम वो दरवाजे खटखटाए जाएंगे ताकि कोई उजोर न रह जाए ये कोई हमें ना कहे मीडिया के ऊपर बैठ के यार टी एल पी ने क्या क्या कि कोई आनी रास्ता इख्तियार नहीं किया वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गई वो लाहौर हाई कोर्ट के पास नहीं गई हम सबसे पहले ये ग्राउंड के ऊपर ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आ, हम क्या करेंगे कि अपने लोगों को काल देंगे ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ अलाम सह ने इस चीज़ का इशारा किया है और साहब ने यह वाज कर दिया कि उनके पास इस्लामाबाद जाने का जो रास्ता है वो मौजूद है ये सर साहब और तहरीक लबेक पाकिस्तान के हवाले से नाजरीन अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं अपना ख्याल किएगा और मुझे दो तो में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफ